हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को देसी स्टाइल में पाव भाजी बनाना बताऊंगी। ये देखिए मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं पाव भाजी के। ये मैंने यहाँ पे एक हरी मिर्च, एक इंच अदरक, चार पांच लहसुन कट करके रख लिया है, एक छोटा बैगन है, एक बड़े साइज का शिमला मिर्च है, मटर है हरा मटर, नमक है, पाव भाजी मसाला है, दो बड़े साइज के टोमेटो है, दो बड़े साइज के अनियन हैं, दो बड़े साइज के पटेटो हैं। और इस तरीके से पाव है जो आपके किसी भी बेकरी शॉप में मिल जाएगी आसानी से। ये कश्मीरी लाल मिर्च है। तो बिना देरी किए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने प्रेशर कुकर लिया हुआ है सब्जियों को बॉईल करने के लिए। सबसे पहले इसमें हम आलू डालेंगे, बैगन, आप बैगन को स्किप भी कर सकते हैं, मटर, शिमला मिर्च, इसमें हम पानी डालेंगे, यही एक बाउल डालेंगे पानी। थोड़ा सा पानी और ले लूंगी ताकि हमारी सब्जियां अच्छे से गल जाएं और पानी भी कम ना पड़े, सब्जियां सूखे ना। चुटकी भर थोड़ा सा नमक डालेंगे, सब्जी हमारी जल्दी गल जाए। मैं यहाँ पे 5 से 6 सीटी तक देने तक पकाऊंगी सब्जियों को। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रेशर कुकर कितनी सीटी में अच्छे से सब्जियों को गला देगा, उतनी सीटी आप लगाइएगा। तो अब हम इसे बंद कर देते हैं। हम इसे रख देते हैं, 4 से 5 सीटी आने तक हम इसे हाई फ्लेम पे पकने देंगे। दूसरी तरफ हम अपने पाव भाजी का मसाला रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख लिया है। अब मैं यहाँ पे एक बड़ा टेबल स्पून ऑयल डालूंगी और साथ ही मैं यहाँ पे अमूल का बटर यूज करूंगी तड़के के लिए। मैं यहाँ पे नाइफ की हेल्प से कट कर लूंगी। मैं इसमें डाल दूंगी। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालूंगी। हल्का सुनहरा होने तक इसे हम भून लेंगे। गैस देखिए हल्का सुनहरा हो गया है और गैस को मैं एकदम मीडियम फ्लेम पे ही रखी हूँ। अब मैं इसमें अनियन डालूंगी, पहले भी आ चुकी है। अनियन को हल्का सुनहरा होने तक भून लेंगे हम। गाइस देखिए प्याज भून गया है। अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी। टमाटर को भी हम भून लेंगे, कच्चापन निकल जाएगा इसका। टमाटो अनियन भून गए हैं। अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी और ध्यान रहे नमक बटर में भी था और मैंने सीटियां लगाने के लिए सब्जी में भी मैंने डाल दिया है। और गाइस कुकर में भी 6 सीटियां हो गई तो अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। गाइस देखिए कुकर की सीटी निकल गई है। अब मैं इसे ओपन करूंगी और देखूंगी कि सब्जियां मेरी अच्छे से गल गई हैं कि नहीं। एक स्पून की हेल्प से देखिए सब्जी हमारी अच्छे से गल गई हैं। ये देखिए गाइस। अब मैं इसे मैशर की हेल्प से मैश करूंगी। आप चाहे तो इसे कलछी के भी हेल्प से कर सकते हैं। गाइस देखिए मेरी सब्जियां अच्छे से मैश हो गई हैं। देखिए फ्रेंड्स मसाला भी अच्छे तरीके से भून गया है। अब मैं सब्जियों की ग्रेवी जो है मैश करके जो रखी हूँ डाल दूंगी इसको।
मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। गाइस ये बहुत ज्यादा थिक है तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी मिला दूंगी। अगर आप लोगों को भी थिक लगे तो आप लोग भी पानी मिला दीजिए। 2 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला डालूंगी। और मैंने 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया हुआ है, मिक्स कर लूंगी। गाइज देखिए बॉईल हो गया है, अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। गाइज ये देखिए पाव है जो हम भाजी के साथ सर्व करेंगे। बीच से मैंने इसे कट कर लिया है और पीछे से ये ज्वाइंट है, तो चलिए पहले हम सेक लेते हैं। गाइज देखिए मैंने पैन रख लिया है और गैस को मीडियम फ्लेम पे रखे हैं। इसमें हम बटर डाल देंगे। मैं फैला दूंगी बटर को। अब भाजी को हम थोड़ा सा बटर के ऊपर डाल देंगे, इससे अलग टेस्ट आता है। अब हम पाव को इसके ऊपर रख के सेक लेंगे। अब मैं पलट लूंगी। गाइस दूसरे साइड भी पक गया है देखिए अच्छे तरीके से। अब मैं इसको साइड में रख लूंगी। इसी तरीके से मैं दूसरा भी बन सेक लूंगी। फ्रेंड्स देखिए मैंने पाव भाजी को सर्व कर लिया है। अब मैं गार्निश करने के लिए इसमें करी पत्ता डालूंगी। और ऊपर से इसमें मैं बटर डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।